नमस्कार, पंजाब केसरी सुन रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ आपका होस्ट अविरल सिंह। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो बिलोंग तो दिल्ली से करती हैं लेकिन उनकी जड़ें जलंधर से जुड़ी हुई हैं, और वो एक नए शो को होस्ट कर रही हैं। उस शो का नाम है बी यू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममता हांडा जी की। ममता जी एक अलग पहचान बनाने के लिए मुंबई की सड़कों पर इस समय उतरी हैं, वो नए शो रिकॉर्ड कर रही हैं, तो उनसे ही जानेंगे कि इस शो की क्या खासियत है। ममता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो आपने बी यू करके एक शो लॉन्च कर रही हैं, आप होस्ट कर रही हैं इसको, ये इसकी इसकी इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया बहुत टाइम से मैं ये करना चाह रही थी, बहुत सालों से सोच रही थी, पर कुछ फैमिली में इन्वॉल्व थी, छोटे बच्चे थे तो मैं ये कर नहीं पा रही थी। तो मुझे कुछ क्रिएटिव लाइन में बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है, तो एकदम से आइडिया आया कि क्यों ना एक चैट शो बनाया जाए, तो जिसमें मैं बहुत नॉर्मल सी बातें करूंगी, जो ऐसी बातें जो अक्सर हर सेलिब्रिटी सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, ऐसी नॉर्मल बात मैंने करी है। सबके साथ बहुत नॉर्मल सा चैट शो का कॉन्सेप्ट लेकर मैं गई थी और बहुत नॉर्मली मैंने बात करी और एक सिंपल सा चैट शो बनाया है। तो ये आइडिया मुझे काफी टाइम से था, मेरी दिमाग में चल रहा था, और अपना चैनल बनाने का आइडिया जो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, पर थोड़ी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैं बहुत बिजी थी, तो इसलिए मैं इसको जैसे ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और टाइम मिला तो मैंने इसको शुरू किया। तो मैं मुंबई आई, उसके बाद मैंने फिर ये प्लान किया और फिर ये किया मैंने। ममता जी, इस चैट शो तो तमाम है, कॉफी विद करण है, अनुपम खेर जी का भी एक शो था, तो आप ऐसा क्या यूनिक या कुछ अलग कर रही हैं कि जो लोग आपके आप तक पहुंचे, आपके शो तक पहुंचे? मैं सिर्फ ये है कि बहुत सिंपल बातें करूंगी मैं, जैसे हम घर में बात करते हैं, जैसे हम अपने छोटे भाई बहन से बात करते हैं, उस तरह से ही मैंने बात की है उनसे। और वो लोगों ने मुझे एड्रेस किया है दीदी कहकर, किसी ने भी मुझे मेरे नाम से नहीं, किसी मैम से नहीं बोला, सबने मुझे दीदी कहकर ही एक एड्रेस किया मुझे, एक बहुत प्यारी, जैसे एक बड़ी बहन को एक ट्रीट किया जाता है, सभी सेलिब्रिटीज ने मुझे मेरे साथ वैसे ही ट्रीट किया। तो ये बहुत सिंपल, जैसे मैंने बोला ना आपसे कि जैसे घर की बात, शो का नाम घर की बात है कि जैसे हम घर से बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, या जैसे मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों से बात करती हूँ, अपने हस्बैंड से या किसी से भी बात कर रही हूँ, बस मैंने उसको उसी कॉन्सेप्ट में रखा कि हम बात कर रहे हैं बहुत इजी होकर बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे उसमें, कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल से बात कर रहे हैं। जो जैसे मैं पंजाबी हूँ, तो मैंने और जितने भी सेलिब्रिटी जो पंजाबी हैं और जो पंजाबी बोल सकते हैं, उन लोगों के साथ मैंने पंजाबी में बात करी है। तो बहुत सिंपल मैंने बताया, ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि आप किस तरह से एक सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहे हैं, बट बहुत सिंपल वे में, बहुत ऐसा फील नहीं कर रही मैं कि मैं किसी सेलिब्रिटी से बात कर रही हूँ, मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं किसी छोटे भाई या बहन से बात कर रही हूँ। ममता जी, जब मैं आपके शो के बारे में थोड़ी सी नॉलेज अपनी गेन कर रहा था, तो मैंने ये भी पाया कि इसमें कोई भारी भरकम या कोई बड़े कैमरे या कुछ प्रोडक्शन की ऐसी कुछ आपने यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल आप आईफोन और ट्राईपॉड, जो सेलफोन का ट्राईपॉड होता है उसके जरिए शूट कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था मेरे साथ, मेरे साथ कोई टीम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, एक सिंपल सा फोन था, एक मेरे साथ एक लड़का था, एक डायरेक्टर था मेरा, बस वही हम दो लोग जाते थे और शूट कर आ जाते थे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोफेशनली काम नहीं किया गया इसमें, बहुत नॉर्मल तरीके से काम किया गया है। तो ममता जी, आपने दो लोग, हाँ जी हाँ, पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, बस हम दो लोग जाते थे और शूट कर आ जाते थे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ ही हमने ये काम किया है। ममता जी, कई सारे लोग जो होते हैं वो जब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं या कुछ भी नया लॉन्च करते हैं, तो वो सोचते हैं उसमें कुछ बेहतर दिखे। अगर मैं फिल्मी दुनिया की ही बात करूं, आप मुंबई में हैं तो वहाँ कुछ लाइट कैमरा और एक्शन जैसी चीज चलती हैं, लेकिन आपने अपने शो को इन सारी चीजों से दूर रखा, उसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, तो इसके पीछे कोई खास वजह? खास वजह यही हो सकती है कि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने आपको बोला ना, मेरे को बहुत ऐसा बहुत इसको शो को बहुत ग्लैमरस नहीं बनाना, बहुत सिंपल रख के ही चलना है, जैसे घर में हम लोग यूजली बात करते हैं, तो इस तरह से ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रही थी। तो मेरे को लगा कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी एक स्टार्ट है, एक अभी मैं इतने प्रोफेशनल बेस से नहीं करना चाहती थी, उसको एक नॉर्मल तरीके से ही रखना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको रखा, और इस बिल्कुल मेरे को
मुझे पहले भी लगा कि नहीं मुझे मेकअप भी करके जाना है, मुझे बहुत जो कपड़े मैं नॉर्मल पहनती हूँ बस वही कपड़े पहनते हैं सबके यहाँ पर सबके साथ शूट कर रही हूँ। तो बस इसी वजह से कि मुझे एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलना है और एक ऐसा भी फील करना कि मैं किसी सेलिब्रिटी से नहीं जा रही हूँ, मेरे को ऐसे रहना है कि मैं किसी छोटे भाई या बहन के साथ जा रही हूँ और बात कर रही हूँ। नो शो ऑफ मतलब अपने शो में आपने ऐसा कुछ शो ऑफ नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना चाहती थी मैं इस प्रोफेशनल बेस पे मैं लेके जाने की चाहती थी। तो आपने अभी तक कितने एपिसोड शूट कर लिए? मैंने 7 एपिसोड शूट किए हैं। 7 उसकी कुछ डिटेल्स आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को जो वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? पहला एपिसोड मेरा हिना खान के साथ हुआ, सुनील ग्रोवर, वारुण शर्मा और सिद्धि समृद्धि और मनीष पॉल और मोनी रॉय, करिश्मा तन्ना, ये 7 लोग हैं मेरे साथ। इनमें से सबसे ज्यादा फन आपने किसके साथ शूट करने में किया? फन मैंने सबके साथ किया, सबके साथ, सब ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, सब ने मुझे बहुत बड़ी बहन की तरह ट्रीट किया, तो ऐसा पर्टिकुलर तो मैं कहूँगी सभी के साथ मुझे बहुत मजा आया। एक सवाल ये भी है कि जो आपका शो आ रहा है घर की बात विद ममता हांडा, तो इसमें मुकेश छाबड़ा जी का भी नाम आ रहा है जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कि वो उनकी कंपनी का भी कुछ सपोर्ट है, तो क्या सपोर्ट उनकी तरफ से है और क्या कंट्रीब्यूशन मुकेश जी का है? मुकेश एक भाई की तरह, एक भाई रियल ब्रदर है मेरा, तो एक भाई जो अपनी बहन को हेल्प कर सकता है बस वो वैसे ही हेल्प कर रहा है। जैसे कि मुझे सिर्फ ये है कि हाँ उन लोगों से मिलने के लिए मुझे एक भाई की हेल्प लेनी पड़ी कि मुझे इस तरह से मैंने अपना जो एक अपनी विश बताई अपने भाई को कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे ऐसा चैट शो बनाना है, तो उसने कहा हाँ दीदी हम कर सकते हैं, मैं आपकी उससे मुझे उन सबके नंबर अरेंज कराते हुए मैं खुद कांटेक्ट करती थी और फिर उनके साथ टाइम करके उसके बाद में उनसे मिलने जाती थी और उनके साथ शूट करती थी। तो जो एक भाई हेल्प करता रही थी वो वैसे ही थी। मतलब एक भाई मुकेश जी ने अपनी बहन के लिए इतना कुछ अरेंज करके दिया और आप उस पर मेहनत करते हुए आगे बढ़ रही हैं और जो ये शो है मुझे बस मेहनत मेरी है और एक आइडिया मेरा है, बट वो जो हेल्प भाई बहन का करना करता है तो बस हेल्प कर रहा है। तो ममता जी दर्शकों को हमारे ये भी जानकारी दे दीजिए कि आपका ये जो शो है ये कब से लोगों तक पहुंचेगा, कब लॉन्च हो रहा है? ये जल्दी ही आएगा, ये जल्दी ही आने वाला है। कोई इसकी डेट आपने फिक्स की है? आपको आज का कुछ पर्टिकुलर फिक्स है क्या? मे बी आपको नेक्स्ट वीक तक एक एपिसोड देखने को मिल जाएगा, हम लोग इसमें अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा एक एपिसोड। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि पर वीक हम एक एपिसोड डालेंगे, एक सीजन कंप्लीट होने के बाद अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है या लोग अच्छा पसंद करते हैं तो उसके बाद हम सेकेंड सीजन भी बनाएंगे। ममता जी एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि दिल्ली से निकलकर मुंबई जाने में और वहाँ मुंबई में खुद को स्टैंड अप करने में क्या परेशानियाँ आपको आ रही हैं? परेशानी ये है कि मैंने जो काम शुरू किया है मेरे शायद बहुत लेट किया, क्योंकि मेरी फैमिली पहले थी, मेरे बच्चे प्रायोरिटी पहले मैं उनको देना चाहती थी, तो जब मैंने देखा कि अभी मेरे बच्चे से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब वो अपना केयर खर कर सकते हैं, उसके बाद मैंने प्लान किया मुंबई जाकर कुछ करने का। तो इसलिए मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल हुई है, ये सब पहले से मेरे माइंड में चल ही रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, बस मैं वेट कर रही थी बच्चे थोड़े बड़े हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। ममता जी एक जाते जाते हमारे दर्शकों को अपने प्लेटफॉर्म का एड्रेस दे दीजिए जहाँ वो आपसे जुड़ पाएंगे, आपके शो को देख पाएंगे। यूट्यूब चैनल है लियू बाई ममता हांडा, मेरा चैनल का नाम है, तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप किसी जो भी आप वीडियो हम लोगों ने अभी उसमें डाला है इंस्टाग्राम पे डाला है, तो वहाँ से इजीली आपको मिल जाएगा लिंक इसका। मेरे पास अभी तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ लिंक इसी। ये हमारे साथ ममता हांडा जी थी, चैनल का नाम लीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल का नाम बता दीजिए आप, बीयू बाय ममता हांडा। ये थी हमारे साथ प्रोग्राम का नाम है हमारे
जो हमारे चैट शो का नाम है और डीवी बाय ममता हंटा मेरे चैनल का नाम है। तो ये ममता जी के चैनल का एड्रेस है, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अगले हफ्ते ममता जी का पहला शो आने वाला है जिसे उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से शूट किया है, एक आईफोन से शूट किया है और इसमें कुछ भी तड़क भड़क नहीं है जैसा आपने आज तक देखा है कॉफी विद करण में या फिर अनुपम जी के शो में देखा है जो वो चैट शो करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा और शो है जिसमें वो बिल्कुल फैमिलियर तरीके से जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनसे वो ममता जी बात करेंगी और उनके लाइफ में क्या मुश्किलें आती हैं, क्या उनके लिए खुशगवार पल होते हैं वो सारा आपके सामने लाएंगी। आप ममता जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ममता जी से जुड़े रहिए।